चाय आ गई है आपकी, चाय ले लो। हाँ चाय ले लेंगे। राधे 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 राधे। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइज। मॉर्निंग के बजे हुए हैं 7:30। जी हाँ गाइज, और अभी मेरी एक्सरसाइज एंड पूजा वगैरह सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं, और यहाँ पे मैं लेके आ चुकी हूँ अपनी गर्मा गर्म चाय, और वो भी ब्रेकफास्ट के साथ। जी हाँ, आज बहुत भूख लग रही थी मेरे को, सो मैं बना के लाई हूँ यहाँ पे गर्मा गर्म आलू के पराठे ब्रेकफास्ट में। संडे इंजॉय करने वाले थे हम लोग, एक्चुअली हम लोग वृंदावन जाने वाले थे, मैं और मेरी फ्रेंड्स, लेकिन ये स्मोकी वेदर देख के बिल्कुल भी मन नहीं किया है कि अगर आप बाहर भी निकलोगे ना तो आपकी आईज में जलन हो रही है। सी अब कभी जाना, कब जाना होगा, बिकॉज आने वाले दिन तो बहुत ही ज्यादा खुशियों वाले आने वाले हैं, मतलब दिवाली आने वाली है। वैसे दुख है मुझे, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, पराठे खा लेती हूँ। और ऐसा नहीं हो सकता कि कशिश अपने दोस्तों को ना खिलाए आलू का पराठा। ये लीजिए फर्स्ट बाइट मेरे दोस्तों के लिए, आ कीजिए आ आ। देखिए गाइस, घड़ी में 11 बजे हुए हैं और अभी भी यहाँ पे कुछ ऐसा है कि पूरा मतलब अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है। हल्का धूप निकली है थोड़ा थोड़ा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने दोस्तों को दिखाऊं। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी बालकनी में फिर से एक पिंक फूल खिला है। वाओ, वेरी प्रीटी, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है गाइज, दिस इज फॉर यू गाइज। बाहर तो मैं कहीं भी नहीं गई हूँ क्योंकि एक्चुअली फॉग ही इतना हो रहा है कि जाने का कोई मतलब ही नहीं है। दिखाया भी था, और अभी आफ्टरनून के 3:30 बज रहे हैं और लंच वगैरह मैं कर चुकी हूँ। लंच का मैं ब्लॉग नहीं बना पाई एक्चुअली, और गाइज यहाँ पे बहुत टाइम हुआ गाइज, तो मैं यहाँ पे अपना ये जी हाँ जो कि बहुत ही मस्त वाला रैप है, मतलब ऐसे ही लिखा है, ना जाने कितने मोड़ आए मेरी जिंदगी में यार। मैंने उसको बोला रुक सुन मेरे यार, तो कुछ इस टाइप की लाइंस मैं बना रही हूँ, और मेरे माइंड में जो भी थॉट्स आते हैं ना मैं उनको कॉपी में लिख लेती हूँ। मेरी डायरी नहीं मिल रही है तो मैंने ये कॉपी में ही लिखा है अभी, और इसको अच्छे से बाद में राइटिंग करके मैं इसको डायरी में लिखूंगी। तो मैंने कुछ फनी थॉट्स भी लिखे हैं, मैं आपको वह सुनाती हूँ। जिंदगी है मेरी एक झमेला, जहां भी जाऊं लगता है मेला। जानकारी के लिए बता दूं, फेवरेट फ्रूट है कशिश का केला, और मेरी फ्रेंड का बापू लगाता है उसका ठेला। मेरी फ्रेंड का बापू लगाता है केले का ठेला। ये आप लोगों को बता सकते हैं कमेंट्स करके गाइस। सो मैं बस ऐसी लिख रही थी फन के लिए, प्लीज डोंट माइंड गाइस, ये किसी पर्सनली फ्रेंड के लिए नहीं है, ऐसे ही लिख दिया है मैंने। हाँ अगर किसी को बुरा लगे तो प्लीज फॉरगिव मी, सिर्फ जस्ट मैंने फन के लिए किया। तो आज मेरा घर पर ही मस्ती करने का मूड है, डांस करने का मूड है कि मैं डांस प्रैक्टिस करूँ, और कुछ सिंगिंग भी करूंगी, तो बस आपको बताऊंगी दिखाऊंगी, बने रहिएगा मेरे साथ गाइस। गाइज मैं सो के उठ गई हूँ, और सो के उठने के बाद मेरी इतना हेडेक है, इतना हेडेक है, माय गॉड, मतलब मेरे हेडेक होता है तो बहुत ज़्यादा हार्डली वाला होता है गाइज, मेरे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा सर फटा जा रहा है दर्द की वजह से। तो अभी बस मैंने चाय बनाने के लिए रख दी है गाइज। गाइज मैं सोची थी सिंगिंग करने के लिए, ट्राई करती हूँ सिंगिंग से, क्या पता मेरा सर का दर्द चला जाए, लेकिन उससे पहले मुझे चाय की बहुत नीड है, तो मैं चाय ले लेती हूँ अपनी। लगता है रेड वाला बम फिर से लगाना पड़ेगा, लेकिन मुझे मालूम नहीं है रेड वाला बम किधर है। यहाँ पे मेरी चाय बन रही है, मैं अपना रेड वाला बम ढूंढ लेती हूँ गाइस। झंडू बम मिल गया है, एक सेकेंड, एक ग्रीन वाला आता है, एक रेड वाला आता है, आई डोंट नो कौन सा है। फाइनली गाइज मुझे मिल चुका है मेरा झंडू बाम, जिसके सहारे कशिश की जिंदगी चलती है। देखिए तो मैं अभी इसको लगाऊंगी, थैंक गॉड कि मुझे मिल गया है, मैं आराम से चाय पी सकती हूँ गाइज। तो मेरे को ना थोड़ा मैं बेचैन हो जाती हूँ जब भी कोई चीज़ नहीं मिलती है ना, अभी फाइनली मिल गई है एक बार में ही, अब मुझे लग रहा था मिलेगा नहीं, लेकिन मिल गया फाइनली। चलिए मैं चाय बना लेती हूँ अपनी, और अंकल को भी दे देती हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपके सामने आज एक छोटा सा सॉन्ग सुनाने वाली हूँ, जिसका एक स्टैंजा है और बहुत ही खूबसूरत है वो। निगाहों में मोहब्बत नहीं तो कहो और क्या है, पर वो मुझसे ये कह रहा है वो किसी और का है। जरा सा छूट भी ढंग से कहा नहीं जाता,
खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता, कैसे हम खुद को रोक ली रहा नहीं।